आइए अब अगले परफॉर्मेंस की ओर चलते हैं। इसके बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी, जो कि 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की, जिन्होंने सिख धर्म के आदि गुरु, प्रथम गुरु है, और ये जो गुरु परंपरा सिख धर्म की है वो भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय है। गुरु नानक देव जी, जो कि अपने व्यक्तित्व में एक कवि, राष्ट्रभक्त, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, दार्शनिक, योगी, ऐसे कई बातें समेटे हुए थे। सिख धर्म की परंपरा में बहुत सारे नर रत्न उन्होंने इस भारत देश को दिए, और उसी नर रत्न से एक थे 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि इनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में कलम थी, और वो जब हुंकार भरते थे कि चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, गिद्धों से मैं शेर बनावा, 1,25,000 से एक लड़ावा, तब गोविंद जी नाम कहावा। और आपको शायद पता नहीं होगा, वजीर खान के 1,000,000 की सेना के सामने जब 40 सिखों ने मुकाबला किया था, गुरु गोविंद सिंह जी जो जिन्होंने राष्ट्र और मानवता के लिए अपना पूरा वंश कुर्बान कर दिया था, ऐसी राष्ट्र और धर्म भक्ति की महान परंपरा सिख परंपरा को हम नमन करते हैं, सत सत वंदन करते हैं, और उसी गुरु नानक देव जी के चरणों में बाबर कैसे पड़ा था, इस बात को आप तक लाने के लिए आ रहे हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स। करें जोरदार तालियों के साथ स्वागत उनका। भारत में अपार वैभव था, उसे पाने की लालसा विश्व के अनेक सम्राटों में थी, परंतु पात्रता नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर लोधी साम्राज्य और फिर बाबर तक अनेक सुल्तानों ने छल और बल से इस देश में अपना साम्राज्य बनाने की कोशिशें की, जिसका वर्णन बाबर गाथा में है, जिसमें गुरु नानक देव की 4 रचनाएं मौजूद है। 15वें शताब्दी के अंत और 16वें शताब्दी की शुरुआत की बात है। मुगल बादशाह के सैनिकों ने अहमदाबाद शहर में पड़ाव डाला एवं दूसरे दिन वे अहमदाबाद शहर में जाते हैं। अरे रुको 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 रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस रास्ते से गुजरना मना है? यहां से सिर्फ बादशाह सलामत बाबर ही जा सकते हैं। दुनिया तो रब ने बनाई है और ये रास्ते भी रब ते ही है। उस ऊपर वाले ने कदे किसी नु मना नहीं किता कि तेरा बादशाह रब तो भी बड़ा है। सुनो, इस रास्ते पर चलने वालों को गुलाम बनाया जाता है और उसे मजदूर बना के काम लिया जाता है। हमें सिर्फ हुक्म की तामील करना आता है। सैनिकों सुनो, इन्हें पकड़कर बंदी बना लो और दूसरे कैदियों के साथ रख लो। आपके चेहरे से मानो रब का नूर निकल रहा हो। कौन है आप? अब आपको भी हमारी तरह दुख और यातनाएं झेलनी पड़ेगी। मैं नानक हाँ, और हाँ, जब तक असी नहीं चांदे कोई भी सानू दुख नहीं दे सकता। यातना ते शरीर नू मिलती है और दुखी ते मन होंदा है। आत्मा ते ईश्वर दा ही रूप है और उसनू कौन दुखी कर सकता है। सानू दुख देन वाला भी रब है ते दुख नू सहन करन वाला भी रब है। बस तुसी सब उस रब नू अपना मन लो, फिर देखो कोई दुख नहीं। ईश्वर एक है तो ओ सारी सृष्टि च व्यापत है, ओ ही परम पिता है, इस करके सब दे नाल मिलजुल के प्यार नाल रहना चाहिदा है। अरे सभी भाइयों, बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया बात की है। हमें तो रब को ही याद करना चाहिए, चाहे जितने दुख और यातनाएं मिल जाएं, अपने आप में खुश रहना सीखना चाहिए। सज्जनों, गुरु नानक देव जी कहते थे
कि दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जा सके। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के प्रणेता थे, मैं तो गुजरात में पला बड़ा हूँ, पंजाबी मुझे नहीं आती, लेकिन जब जी साहब का वो पाठ हमेशा मुझे आकर्षित करता था, एक ओमकार सतनाम, मुझे पता नहीं था इसका अर्थ क्या है, किस और इशारा है, पर जब उनका अर्थ पता चला तो मन और मस्तिष्क दोनों श्रद्धा से झुक गए। ऐसे गुरु नानक देव जी की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, करें जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। एक ओंकार अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी गए फुलकारियां भी गई कन्ना भी चुको गुरु दे वालियां भी गई ढगरे भी गए फुलकारियां भी गई कन्ना भी चुको गुरु दे वालियां भी गई रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गई कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गई चल पे बोले की पाने की बनू हो की बनू बणू दुनिया का सच्चे पातशाह बाग रू जाने की बणू दुनिया का सच्चे पातशाह बाग रू जाने की बणू दुनिया तालियां इन पंजाबी मतवालों के लिए, जोरदार तालियां होना चाहिए सज्जनों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सज्जनों, ये शानदार बात को हमारी संस्कृति ने बड़े दमदार तरीके से बताया। हमारी सभ्यता ने कहा, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जंगल के राजा शेर को भी
अपना पेट भरने के लिए हिरण के पीछे दौड़ना पड़ता है, हिरण स्वयं उसके मुख में नहीं आता। तो ये है हमारी संस्कृति की परिभाषा, जिसको जानना यानी खजाने को खोदने जैसा है। अब अगर आपको स्वतंत्रता क्या है, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा क्या है, स्त्रियों का आदर कैसे करते हैं, ये जानना हो तो जापान के सामुराई डिस्ट्रिक्ट या फिर स्कॉटलैंड के वॉर म्यूजियम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र चले जाइए, जहाँ आपको ये सब दिखाई देगा। उसकी पुण्य धरा की दिव्य धूल को आप सर पे लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी धरा ने जन्मा है सिंह रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज। सज्जनों, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे उनकी माँ बचपन से ही कहती थी, जब तक तू तेरी सांस रहे, जब तक तू तेरी सांस रहे, लड़ना जब तक प्राण रहे, कायम वतन स्वाभिमान रहे। सज्जनों, बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज समझ चुके थे और तय कर चुके थे कि लोगों की सेवा और राष्ट्र का स्वराज का निर्माण, बस उनका लक्ष्य साफ था। वो मर्द मराठा पहले ही जान चुका था कि कमजोरी एक सोच है, गुलामी एक मानसिकता है। वो हमेशा अपने सेना से कहते रहते थे कि साहस हथियार में नहीं होता, साहस इंसान के दिल में होता है। और लक्ष्य किसी दुश्मन से भिड़ना उनके लिए वीरता नहीं थी, वीरता उनकी लक्ष्य पूरा करने में थी। सज्जनों, कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए शाम दाम दंड भेद किसी भी नीति को वो अख्तियार करते थे, इसीलिए तो वो महान डिप्लोमेट और मिलिट्री जनरल थे, गोरिल्ला वॉरफेयर के जो मास्टर थे। सज्जनों, ऐसे महान शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज आज हमारे लिए एक गौरव है, हमारी भारतीय परंपरा के लिए गौरव है, और उनको सच सच नमन करने का वक्त है। तो करें जोरदार तालियों के साथ स्वागत फ्रीडम वैली स्कूल के छत्रपति शिवाजी महाराज का। और उसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज रेडी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा गुरु नानक देव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर सुने, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत करें। बादशाह सलामत। हुजूर, हिंद से एक फकीर आया है जिसने सारे कैदियों का और गुलामों का दिमाग खराब कर दिया है। हुजूर, हम गुलामों पर कोड़े बरसाते हैं और वो सब नाचते गाते हैं। हुजूर, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम लोग जितने खूंखार दिखते हो उतने हो नहीं, सही से कोड़े बरसाना आता नहीं और बता रहे हो कि गुलाम खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं। हुजूर, मुहब करे, लेकिन यह बात सच है, हमने पहले से ज्यादा कोड़े बरसाए। पहले तो ये गुलाम रोते थे, चिल्लाते थे, लेकिन कल से उनके बीच एक नया हिंद का कोई फकीर आया है। उसकी बातें हमारी समझ से तो बाहर है, लेकिन गुलामों में इतना बड़ा बदलाव। निकम्मो, तुमसे कुछ होता नहीं और मुझे उस हिंद से आए फकीर की पढ़ाई कर रहे हो। चलो उसके पास, मैं देखता हूँ कौन सी जादू जानता है जिससे गुलामों को तकलीफ नहीं होती। ए हिंद के फकीर, कौन हो तुम? कौन हो? आपके चेहरे से तो मानो अल्लाह का नूर बह रहा है। आपके पास आने से दिल को ठंडक पहुंच रही है। कौन हो आप? आप तो सच में बड़े जादूगर हो। मैं ता दुनिया नू उस रब दा संदेश दे रहा हूँ। मैं ते केवल उस रब दा गुलाम हूँ, पर उस रब ने सानू
अपने बच्चा वर्गा रखिया है, वो सब सानू प्रेम करता है। पर एक ही बादशाह, तू उस रब नू पुला के सबनू गुलाम बनांदा पे है, बड़ा खुश होंदा पे है। ऐ हिंद के फकीर, मुझे माफ कर दो, आप जो कहोगे मैं करूंगा। सिपाहियों, जल्दी से सबको आजाद करो। बाबर अपने सर को गुरु नानक देव के चरणों में झुकाता है, लेकिन बाबर के अंदर जो दुष्ट महत्वाकांक्षा है वो ऐसी ही बनी रहती है। बाबर जैसे अनेक बर्बर आक्रांताओं के आक्रमण से भारत का अध्यात्म और संस्कृति आज तक नहीं मिट पाई। भारत में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धाओं ने भारत के अस्तित्व को बनाए रखा। तो दोस्तों, ये वीर गाथा की परंपरा में शिवाजी महाराज भी आते हैं, जिनके लिए स्वराज का मतलब था अपने पर राज। जब तक हम अपनी अंदर की कमियों को हम अगर मिटाएंगे नहीं, तो बाहर कैसे संघर्ष करेंगे। वो हमेशा कहते हैं कि संघर्ष के समय में जो प्रयासरत रहता है, उसके लिए समय भी चाल बदल देता है। तो आओ करें स्वागत हमारे भारत के वीर सपूत शिवाजी महाराज का। आज आप, मैं और सब देखेंगे शिवाजी महाराज की ये जोरदार एंट्री, जो घोड़े पे स्वयं आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आस्ते कदम, आस्ते कदम महाराज, गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतं सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। शिवा चमके हे तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी हे तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी
नाग झुंड पर भूषण भी तुंड पर जैसे मृगराज है। पर कन्ने जिमी कंस पर धोमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। हेलो जय भवानी। यस यस सुपर्ब सुपर्ब जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी शिवाजी महाराज के गणों से। बहुत खूब सुपर्ब परफॉर्मेंस दोस्तों। हमारे वीरों ने ही श्रीमद् भगवद गीता से सीखा है स्वधर्म निधनम श्रेयः। हमारे राष्ट्र धर्म के लिए मरना इससे अच्छा श्रेयकर और कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे देश के वीरों को देशभक्ति सिखाई नहीं जाती, वो अपनी डीएनए में लेके पैदा होते हैं। दोस्तों दुनिया का एक इकलौता ये देश होगा जो अपनी मिट्टी को माँ कहता है। हमारे देशभक्ति का कोई सिलेबस नहीं होता है। इसकी वजह भी यही है कि जब हम मिट्टी को माँ कहे तो माँ से प्यार करना कुछ सिखाना पड़ता है, वो अंतरात्मा से होता है। ऐसा ही एक वीर योद्धा 1857 का वो विप्लववादी योद्धा मंगल पांडे, जिसने क्रांति की ज्वाला भड़काई थी पूरे देश में। उसके बाद शूरवीर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर सब इस विप्लव में कूद पड़े थे और पूरी दुनिया ने देखा था कि भारत के इन शूरवीरों ने कैसे अंग्रेजों से मुकाबला किया था। उस वीर योद्धा की कहानी आप तक पहुंचाने आ रहे हैं हमारे फ्रीडम वैली स्कूल के स्टूडेंट्स मंगल पांडे की गाथा लेकर। करें जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जागो सपने बसाए, फांसी तो लगती है सिर्फ दल को, कौन सा
बहुत खूब। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दोस्तों। सज्जनों कहते हैं 1857 से 1947 के बीच में ये जो क्रांतिकारी समय था वो सबसे स्वर्ण समय था भारतीय भारत माता की और भारतीय धरती की मातृभावना के लिए। और उस वक्त जितनी देशभक्ति और अपनी मिट्टी की जो मातृभावना दिखी उसके बाद वो कभी नहीं रही। सज्जनों कहते हैं उस वक्त उसी क्रांति में एक अग्नि एक ज्वाला जो चिंगारी बन के आई और अंग्रेजों के लिए ज्वाला बन गई वो निडर और फियरलेस चिंगारी थी सुभाष चंद्र बोस। उस वक्त क्रांति दो तरीकों से हो रही थी। जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे वो दो मोड़ से चल रहे थे। एक था गांधी का महात्मा गांधी का जो दल था और उनका आंदोलन था जो अहिंसा शांति प्रदर्शन उपवास ऐसे एलिमेंट पर बेस था। और दूसरा था ऐसा आंदोलन जिसे चला रहे थे शहीद आज़म भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी। एक था गांधी जी का नरम दल दूसरा था क्रांतिकारियों का गरम दल। सुभाष बाबू ने दोनों तरीकों को अच्छे से जाना और फिर सोचा कि तीसरा रास्ता लेना पड़ेगा और ये मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना पड़ेगा। और तब उन्होंने करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छे से समझा और दुनिया की दो महासत्ता जापान और जर्मनी को हमारी इंडियन मूवमेंट्स के लिए कन्विंस किया। सज्जनों सुभाष चंद्र बोस यानी कि भारत का भारत की आज़ादी के लिए भारत से दूर आर्मी खड़ी करना और उसके आज़ादी के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार करना उनके वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का एक मुद्दा था। और उनकी आज़ाद हिंद फौज में एक वुमेंस की भी विंग थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड और उसके लीडर और कैप्टन थे लक्ष्मी सहलगल जी। और कभी उन्होंने किसी पत्रकार ने उनको पूछा था इंटरव्यू में पूछा था कि आप विपरीत परिस्थितियों में देश से बाहर रहकर ये लड़ाई लड़ते थे तब अगर आपका जवान आपका सोल्जर बीमार हो जाए तो आप कैसे मैनेज करते थे। तो लक्ष्मी सहगल जी ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया था कि नेताजी थे ना, नेताजी को इतने हजार सोल्जर्स में सभी का क्या प्रॉब्लम है वो सबको पता रहता था और अपनी निगरानी में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते थे। ये होते थे लीडर। दोस्तों नेताजी ने खुद आज़ादी का सपना देखा और लोगों को आज़ादी का सपना दिखाया और उसमें विश्वास करना भी सिखाया। नेताजी की आज़ाद हिंद फौज से अंग्रेज इतना घबरा गए थे कि 1945 आते आते मानो देश से उखड़ ही गए थे। नेताजी हुंकार भरते थे कि अगर देश के लिए मर जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। वो अपने आज़ाद हिंद फौज के जवानों से कहते थे कि देखो वीरो ये अपना वक्त है, जय जवान जय हिंद और आज़ाद हिंद फौज की चलो दिल्ली के नारे से पूरे देश को ध्रुजाने वाले अंग्रेजों को उखाड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस का और उसकी शौर्य गाथा का हम यहाँ पे अपने फ्रीडम वैली स्टूडेंट्स के जरिए देखते हैं। करें उनका जोरदार तरह से स्वागत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाल्यावस्था से ही बहुत ही दयालु और निडर थे। जब वह विद्यालय जाते तब हमेशा अपने माँ द्वारा दिया गया खाना विद्यालय के बाहर बैठे एक भिखारी को दे देते और बाल्यावस्था से ही दिन में केवल एक बार भोजन लेते थे। बाबा सुभाष आज तुम्हारी तबीयत भालो अच्छे तो? केनो माँ क्या हुआ, आज ऐसा क्यों पूछ रही हो? आज के तुम्ही स्कूल में भोजन क्यों नहीं किया? तुम्हारा टिफिन तो जैसा का तैसा है। माँ एक बात बताऊं, राग बे ना तो? ना बाबा क्या हुआ बोलो। माँ मैं विद्यालय जाता हूँ तब रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है,
जिसका कोई नहीं है और न जाने कितनी बार वो पूरा दिन भूखी रहती है। मुझसे उसकी ऐसी दशा देखी नहीं जाती। न जाने ऐसे कितने लोग इस देश में होंगे माँ। मैं चाहता हूँ इस देश में कोई भी भूखा ना रहे। अमर सुना चले, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम्हारे हृदय में सबके लिए करुणा है। मैं तुम्हें कल से 2 टिफिन दिया करूंगी, जिसमें तुम भी भूखे नहीं रहोगे और उस भद्र महिला को भी भोजन मिल जाएगा। ना माँ, अब तो बस शाम को आपके साथ खाना खाने की आदत लग गई है, दोपहर को भूखी नहीं लगती। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही समय भोजन लेने का निर्णय लिया है। धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस युवा हुए एवं उन्होंने ICS की परीक्षा में विश्व में चतुर्थ क्रमांक प्राप्त किया, जिससे वे अंग्रेजी शासन में कलेक्टर बन सकते थे। परंतु उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की कलेक्टर की नौकरी ठुकरा दी और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद सेना बनाई, जिसे अंग्रेज शासन को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। चलता जाएगा तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। चलता जाएगा तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। We'll be right back.
सुपर सुपर परफॉर्मेंस, जोरदार हमारे ये सभी सुभाष बाबू के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। विश्व गुरु भारत पे अगले मुकाम पर चलते हैं हम। बारी है हमारे नारी की। कहते हैं, ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ, तू देख मुझे मैं नारी हूँ। मैं सौम्य रूप दुर्गा का, मैं रणचंडी की अवतारी हूँ। मैं पायल की झंकार हूँ, मैं तलवार की टंकार हूँ। ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ, तो देख मुझे मैं नारी हूँ। हमारा हजारों लाखों वर्षों का इतिहास जिसका ऋणी है, वो भारत की अद्भुत स्त्रियाँ, जो हाथ में लेखनी ले तो वेदों की रुचाएँ रच दे, और अगर हाथ में तलवार ले तो धरा का मानचित्र बदल दे। इतिहास के पन्ने पलट कर अगर देखोगे तो ऐसी कई वीरांगनाएं आपको देखने को मिलेगी भारतीय इतिहास में। वो फिर रानी प्रभावती हो, महाराजा शिवाजी की पुत्रवधू रानी ताराबाई हो, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली रानी चेन्नम्मा और रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर सौंदर्य और शूरवीरता का अद्भुत समन्वय रानी दुर्गावती हो या रानी रुद्रमा हो। ये वो वीरांगनाएं हैं जो भारत देश ने अगर एक दो जनी हो तो मैं गिनवा दूं। भारत की धरती पर हर नारियों की शौर्य की गाथाएं गुंजायमान है, और अगर गिनता जाऊं तो सांसें कम पड़ जाएगी। आज़ादी के बाद भी इसी नारियों के हौसले ने भारत को नई उड़ान दी। फिर वो पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर करने वाली हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, या फिर तीन तीन बच्चों की माँ होने के बाद भी बिना डगमगाए बिना घबराए भारत को तीन तीन स्वर्ण पदक दिलाने वाली बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम हो, या अपने जज्बे से हर दरिंदे को डराने वाली किरण बेदी हो, हमारे लिए भारत के लिए नारी सम्मान है, नारी गौरव है, आदि शक्ति का दूजा नाम है। तो इसी नारी शक्ति को नमन करने आ रहे हैं हमारी फ्रीडम वैली स्कूल की सभी टीचर स्टाफ। करें इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी तू ही जीवन तू खुशी अमुक संभाल।
बहुत खूब, सुपर सुपर परफॉर्मेंस। बच्चे तो बच्चे, लेकिन हमारे टीचर्स भी कम नहीं है। सुपर परफॉर्मेंस। दोस्तों, भारतीयता एक सिर्फ नेशनलिटी नहीं है, हमारी भारत की भूमि हमसे ये याद दिलाती है कि भारतीयता एक नेशनलिटी नहीं है, बल्कि एक भरी पूरी शाश्वत विचारधारा है। राम का सबरी से जूठे बैर खाना और ऊंच नीच को जूठलाना भारतीयता है। रानी कर्णावती की राखी मिलने पर हुमायूं का फौज के साथ उसे मदद करने के लिए पहुंच जाना, एक मुसलमान जिनके दीन में राखी का जिक्र तक नहीं है, और एक राजपूत बहन के द्वारा कच्चे धागे को सर आंखों पर चढ़ाकर उस मुंह बोले रिश्तों की कद्र करना भारतीयता है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बनते हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बनते हैं, और सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं। एक आम हिंदुस्तानी का इनसे कोई जाति रिश्ता है? नहीं है, पर अखबारों में उनका नाम पढ़ते ही वो गर्व से मुस्कुराता है, हमारा आम हिंदुस्तानी। और वो गर्व इसलिए महसूस करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सियों पर भारत माँ के बेटे बेटियां बैठे हैं। सज्जनों, इस देश में जिसने जन्म लिया, इस मिट्टी पे जिसने जन्म लिया, वो हमारा है, ये भावना भी एक भारतीयता है। हमारे देश की नींव जिस गणतंत्र पर रखी गई है, वो भावना की कद्र होनी चाहिए, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम 9 मजहबों 3000 जातियों में विभाजित हैं तो क्या हुआ, हमारा सर एक तिरंगे के आगे झुकता है। तो हमारा भारत जिंदा रहे, हमारी भारतीयता जिंदा रहे, इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं हमारे फ्रीडम वैली स्कूल के स्टूडेंट्स, करें उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये उगाऊंगा। इस छल फरेब की गांधी
ने दूसरा सपना देखा था। उस महापुरुष ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। जिस महापुरुष ने जीवन के अंतकाल में 50 साल के बाद का सपना देखा था, जो चरितार्थ हुआ, उस महापुरुष ने दूसरा सपना देखा था। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी, वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। मेरी स्वामी विवेकानंद जी की इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है, और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूं कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते। भारत माता की। सज्जनों, विश्व गुरु भारत का अंतिम पड़ाव है, और आपसे एक निवेदन है, एक अपील है कि आज जो कुछ भी है हम, वो हमारे बीते हुए कल का परिणाम है, और कल हम जो कुछ भी होंगे वो आज का परिणाम होगा। हमारा बढ़ाया हुआ हर एक कदम, हमारा लिया हुआ हर एक निर्णय निर्धारित करता है कि कल की हमारी दिशा और दशा क्या होगी। हम आज़ादी के अमृत काल खंड में है, हमारे लिए अनिवार्य है कि हम इतिहास से सीखें, और हमारे लिए एक ही संकल्प, एक ही व्रत हो कि हम राष्ट्रहित में अपने आप को समर्पित करें, और ये सोचने की बजाय कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये सोचें कि हमने देश को क्या दिया। हम अपने सत्कर्मों के बल पर राष्ट्र को समृद्ध बनाए और ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जहां हर व्यक्ति के लिए राष्ट्र प्रथम हो और राष्ट्र के लिए व्यक्ति प्रथम हो। सज्जनों, हर चूल्हे में आग हो, हर चौखट पे चिराग हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो और हर आस्था का सम्मान हो। हम अपने स्वर्ण अतीत की तरह भारत को फिर से विज्ञान, तकनीक, साहित्य, कला और चिकित्सा का हब बनाए। आज फ्रीडम वैली स्कूल आपसे आह्वान करती है कि आइए, आप और हम मिलकर, आइए आप और हम मिलकर अपने सपनों की इबारत लिखें और आशाओं के आकाश पर अपने खून और पसीने से भारत लिखें। तब होगा विश्वगुरु भारत फिर से। जय भारत, जय भारती। थैंक यू सो मच। आप सभी से गुजारिश है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नेशनल एंथम शुरू होने जा रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे। खूब खूब शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। फ्रीडम वैली स्कूल फिर से आपका अभिवादन करती है, शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू सो मच।